हाथरस हादसे में बाबा साकार का सेवादार और मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार। देव प्रकाश को कराया गया मेडिकल, आज कोर्ट में पेशी होगी। हाथरस हादसे पर पुलिस का बड़ा खुलासा, मुख्य आरोपी देव प्रकाश जुटाता था बाबा के लिए फंड, बैंक खातों की भी होगी जांच। हाथरस कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरी, हादसे को बताया साजिश, जी न्यूज की खबर पर मुहर, मैनपुरी आश्रम में ही छिपा है बाबा। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले अपना पल्ला झाड़ रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, विफलता से सबक नहीं लिया है। हाथरस हादसे पर बीएसपी प्रमुख मायावती की मांग, बाबा भोले सहित दोषियों पर कार्रवाई हो, स्वार्थ में ढीली ना पड़े सरकार, ऐसे दूसरे बाबाओं पर भी कड़ी कार्रवाई हो। गुजरात में बीजेपी को हराने के दावे के बाद अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी, कहा बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति की, लेकिन अयोध्या में INDIA गठबंधन की जीत हुई। मणिपुर दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, 8 जुलाई को राहुल का तीसरा मणिपुर दौरा, वहीं रिलीफ कैंप में लोगों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुदिर गांव में मुठभेड़ लगातार जारी, एनकाउंटर में एक जवान शहीद, ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को लेकर बड़ा खुलासा, सीमी आतंकियों के संपर्क में था फैजान, आतंकी के निशाने पर थे सेना के जवान। नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, आरोपी अमित सिंह उर्फ बंटी को पटना लेकर आई सीबीआई की टीम, अमन और बंटी को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। चेन्नई में बीएसपी के तमिलनाडु अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या, हत्या के खिलाफ बीएसपी समर्थकों का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग, वहीं कल आर्मस्ट्रांग के परिवार से मिलने जाएंगी मायावती। जम्मू कश्मीर में स्थगित की गई अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं को नहीं हो पाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, भीषण गर्मी की वजह से 6 दिनों में ही पिघला अमरनाथ का शिवलिंग। बीएसपी नेता की हत्या पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना, तमिलनाडु सरकार के संपर्क में है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, बोले सावन में कलेवा बांधकर दुकान खोलते हैं, सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है। INDIA की बैठक को लेकर उद्धव की शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा मीटिंग में महाराष्ट्र को लेकर अच्छी चर्चा, कांग्रेस शिवसेना और NCP SCP एक साथ चुनाव लड़ेंगे। 22 जुलाई से शुरू होगा उड़ीसा विधानसभा, पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण, वहीं 25 जुलाई को पेश किया जाएगा उड़ीसा का बजट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं से भिड़े, इलाके में बमबारी करने का आरोप, वहीं 2 TMC कार्यकर्ता घायल, तनाव की स्थिति बरकरार, पुलिस ने उपद्रवियों को भगाया। मध्य प्रदेश में मदरसों पर जी न्यूज की लाइव रेड का असर देखने को मिला, अवैध मदरसों को लॉक करने की तैयारी में सरकार, कई मदरसों में रविवार के बजाय शुक्रवार को रखी जाती है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 16 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी पेशी। हरियाणा के फरीदाबाद में मकान का छज्जा गिरा, एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, एक किराए पर रहता था पूरा परिवार, मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के हरदोई में कानूनगो और लेखपाल की दबंगों ने की पिटाई, मेड़बंदी कराने गए थे दोनों अधिकारी, 4 महिलाओं समेत 9 के खिलाफ मुकदमा, वहीं पिटाई का वीडियो जमकर वायरल। यूपी के जौनपुर में पहलवान बाबा मंदिर के दान पेटी पर चोर ने किया हाथ साफ, सिर्फ 100 मीटर दूर बताई जा रही है पुलिस चौकी, चोरी का वीडियो सामने आया, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी का वीडियो, सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में घटना हुई कैद, वहीं आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा भागलपुर में 4, वहीं जहानाबाद में 3 लोगों की गई जान। असम के 30 जिलों में बाढ़ का कहर लगातार जारी, बाढ़ की वजह से बिगड़ रहे हैं हालात, वहीं कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, 24 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा है असर। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ की वजह से बुरे हालात, तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, बैराज से छोड़ा गया पानी, वहीं आसपास के इलाके जलमग्न हुए। नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी, बारिश की वजह से 5 सड़कें बंद, रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया, निचले इलाकों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। राजस्थान के बारा में हुई झमाझम बारिश, निचले इलाके में भरा पानी, वहीं सड़कों पर हुआ जल जमाव, लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बारिश के कारण सड़क पर गिरा पेड़, दबने की वजह से कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, बारिश के कारण सड़क पर आवाजाही नहीं होने से टला है बड़ा हादसा। राजस्थान के बीकानेर में बारिश के कारण हुआ बड़ा हादसा, गिरी निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार, हादसे में 3 की मौत, तेज हवा और बारिश की वजह से हुआ हादसा।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में शराब पीकर स्कूल आया शिक्षक, स्कूल में किया हंगामा, प्रशासन ने शिक्षक को निलंबित किया। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, गोकशी के 40 मामले में चल रहा था फरार। एमपी के भिंड में स्कूल में खुलेआम नकल का वीडियो सामने आया, टीचर की मौजूदगी में नकल करते नजर आए छात्र, कलेक्टर को परीक्षा रद्द करने के लिए लिखा गया लेटर। बिहार के बेतिया में देर रात 3 दुकानों में चोरी की वारदात, लाखों के जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एमपी के उज्जैन में युवक का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर बस के आगे लेटा युवक, राहगीरों की मदद से युवक को बीच सड़क से हटाया गया, युवक के हंगामे से ट्रैफिक रहा जाम। राजस्थान के चुरू में टीचर पर लाठी और सरिये से हमला, घायल का अस्पताल में इलाज जारी, वहीं बाइक सवार 7 से 8 लोगों ने घटना को दिया अंजाम। ईरान में मसूद पजेशकियान ने जीता राष्ट्रपति का चुनाव, पजेशकियान को 3 करोड़ से ज्यादा वोट मिले, सईद जलीली को भारी मतों से हराया। रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन के हवाई क्षेत्रों में ईंधन भंडार को बनाया निशाना, यूक्रेन ने इस तरह के हमलों से किया पूरी तरह से इनकार। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी, कई जगहों पर किए हमले, 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भड़की हिंसा, 2 लोगों की मौत, 3 घायल, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। माउंट एवरेस्ट पर लगा गंदगी का अंबार, पहाड़ के बीच से गंदगी निकालने में सफाई कर्मियों को हो रही है परेशानी, वहीं सफाई में लग सकते हैं कई और साल। चीन में बीच का बांध टूटने की वजह से परेशानी बढ़ी, कई इलाकों में आई बाढ़, 5,000 राहत बचाव कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया, वहीं लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। जमैका में बेरिल तूफान के बाद दिखा तबाही का मंजर, कई लोगों के घर हुए जमींदोज, लोग घर से बाहर रहने को मजबूर हुए। अमेरिका के भी कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, बांध टूटने की वजह से जलभराव, पानी के बीच रेंगती नजर आई गाड़ियां। अमेरिका के उत्तरी डकोटा में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे के बाद ट्रेन में लगी भीषण आग, दुर्घटना में जनहानि की खबर नहीं। इटली में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी से निकला लावे का गुबार, विस्फोट के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। भारत जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज की आज से शुरुआत, शुभमन गिल करेंगे भारत की अगुवाई, सीनियर खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। मोबाइल रिचार्ज महंगा होने पर टेलीकॉम मंत्रालय की सफाई, बोले अभी भी अन्य देशों से सस्ती है सर्विस, बाजार में 1 सरकारी कंपनी और 3 प्राइवेट कंपनियां मौजूद। किसानों को मिलेगा मॉनसून का फायदा, आलू प्याज और टमाटर के उत्पादन में बढ़ोतरी के आसार, सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर लग सकेगी लगाम।